तो मैं आपको सिंगल शेप कैसे यूज करते हैं उसका भी टेक्निक बताया हूँ, और डबल शेप कैसे यूज करते हैं उसका भी टेक्निक बताया हूँ। अभी तक नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, वहाँ पे टैप करके देख लो पहले। तो बहुत सारे बंदे मुझे पूछते हैं, तो भाई आप किस स्ट्रेटेजी में खेलते हो? तो भाई देख, मेरा कुछ अलग ही नशा चलता है, मैं इतना आसान तरीके से नहीं खेलता, मैं थोड़ा सा मेरे गेम प्ले को खुद ब खुद हार्ट कर देता हूँ, ठीक है? मुझे ओपोनेंट को परेशान करने में बहुत मजा आता है। अच्छा तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम देखो मैं कैसे खेलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मुझे बॉल मिला, अभी मैं क्या करूँगा? अभी सिंपली एक नॉर्मल प्लेयर सीधे सीएफ को पास देगा, लेकिन नहीं, यही पर ही मेरा नशा शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे सिंपली मेरे आजू बाजू में पास दूंगा, ठीक है? और जब भी ओपोनेंट मेरे सीएफ को गार्ड करेगा तब भी मैं आजू बाजू में पास दूंगा, और जब भी मेरे ओपोनेंट मेरे सीएफ को गार्ड देगा तब भी मैं आजू बाजू में पास दूंगा। बोलते हैं ना, हाथी के दिखाने के कुछ एक, चबाने में कुछ एक, ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे इधर उधर पास दे रहा हूँ, ओपोनेंट मेरे सीएफ को गार्ड दे रहा है, तो मैं देख के फिर इधर उधर पास दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा ओपोनेंट मेरे सीएफ को छोड़ दिया, एकदम से पास दिया और डबल टैप एंड बूम, ठीक है? तो काम खत्म, यही है, मैं इसी से खेलना पसंद करता हूँ, ये मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं पर्सनली इसको निकाला हूँ, ठीक है? खुद ये निकाला हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा तुम इसको खेलो, क्योंकि इसको खेलने के लिए तुमको बहुत पेशेंट और पासिंग का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? मुझे भी बहुत तकलीफ होती है अभी, क्योंकि गेम बहुत फास्ट हो गया है, पहले ये टेक्निक बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा झोल हो गया है इस टेक्निक में, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? देखो ये ट्रिक समझाने का कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं सिंपली एक वाइड फॉर्मेशन चूज करता हूँ, लाइक 4-4-2 जो मैं खेल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कुछ नहीं करता, एलवीएफ से आरवीएफ तक बॉल को रोटेट करता हूँ, फिर एलवी से आरवी तक रोटेट करता हूँ, यही सीन उल्ट इधर उधर चलते रहता है, ठीक है? तो यार ऐसा कोई सुपर रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, ठीक है? तो मैं बस मेरे सामने जो ऑप्शन आता है उसको देता हूँ, बस मेरा टारगेट ये रहता है कि जब भी मेरा सीएफ फ्री हो, एक ना एक सीएफ, ठीक है, बस उसको पास दे दो। हाँ एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे दोनों सीएफ के पास डबल टच होना चाहिए, ठीक है? और ज्यादा किकिंग पावर और ड्रिबलिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो यार डबल टच कर ही नहीं पाएगा। बस यही मैं करता हूँ, ठीक है? पूरा डिवीजन मेरा यही चलता है, मैं मजा करता हूँ, तुम भी, मैं बोलूंगा तुम भी मजा करो, अगर रैंक पुश नहीं करते ट्राई कर सकते हो ये चीज, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ कुछ डिफेंसिवली कुछ टिप दूँ तुमको, ठीक है? मैं कैसे डिफेंस करता हूँ तो वो वीडियो बाद में आएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो को, इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करना, क्योंकि यार ये टैक्टिक भी बहुत मस्त है, ठीक है? ये पहले बहुत यूज हुआ करता था, लेकिन अभी गेम फास्ट होने के चक्कर में ये टैक्टिक बहुत कम यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये काम करता है, ठीक है? तो थोड़ा और तुम एग्जाम्पल देखो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर भी करना, ठीक है? For the first time, I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm caught up in the first night, now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. I know that it's hopeless, but we won't be fine. Cause nothing's ever black and white.